चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में वड्डा हंगामा वेखन मिले। बिजली के निजीकरण के खिलाफ और पानी दी कीमतों के मुद्दे से विरोधी धिर के काउंसलर ने भाजपा को घेरिया। जीरो आवर में विरोधी पार्टी के काउंसलर्स को बोलने का मौका ना दिते जाने का भी विरोध जताया गया। हाल ही च ब्लैकआउट का सामना कर चुके चंडीगढ़ की नगर निगम की बैठक हुई तो यह मुद्दा हंगामे की वजह बन गया। विरोधी धिर के कौंसलर ने बिजली के निजीकरण तो अलावा पानी दियां वधन जा रही कीमतों लैके भी खासा रोस प्रगटाया। इस दौरान चंडीगढ़ की मेयर के नाल कौंसलर की बहस होंदी भी विखाई दी। आम आदमी पार्टी कांग्रेस अकाली दल के कौंसलर ने इल्जाम लगाया कि भाजपा पानी के रेट ना वधाउण दे अपने वादे तो हुण पिछे हट रही, पर वो अजिहा हुण नहीं देंगे ते जेकर इस दे लई रोश मुजारे भी करने पए तो वो जरूर करनगे। साडे चंडीगढ़ दे विच बिजली निजी हत्तां दे विच दे रहे। देखो जो चंडीगढ़ बनया सी 5 लाख लोगों लिए बनया सी तो 2000 बिजली कर्मचारी सीगा चंडीगढ़ पावरमैन यूनियन कोल। अज चंडीगढ़ दे विच 12 तो 14 लाख की जिहड़ी जनसंख्या हैगी है और जिहड़े मुलाजम ने सिर्फ 650 ने। और अगर आपां प्रॉफिट की गल करिए तो बिजली अदारा 365 करोड़ रुपया जिहड़ा पिछले साल का प्रॉफिट दिखा रहा है, यानी 1 करोड़ रुपया रोज का, फिर उन्होंने निजी हत्ता ही देने का की मकसद है? ये पिछे की साजिश है? किन्नी की ये अपना पैसे का लेन देन है? की है वो सब क्लीयर नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल बीजेपी जिहड़ा पानी के मसले तो भजदी दिखी है। असी तो यही पूछा सीगा कि जिहड़े हाउस असी रेट घटा के भेजे सीगे भी उन्हां दा की किया है। तुसीं देखिया ही है कि पानी के रेट है जिहड़े बिलों से लिखा हुआ कि आरजी तौर पर रोक लाई सी उहदे वास्ते ही सारे काउंसलर साहिबान कंसर्न सीगे कि पानी दे रेट है जिहड़े वो कटने चाहिए, जिहड़ियां पहलां दरां है उस हिसाब नाल जानी चाहिए। बीजेपी टोटली इस मुद्दे तो भजदी दिख रही है। इलैक्शनां दे करके उन्होंने रेट घटाए सी ते हुण 1 अप्रैल तो फिर वो लागू रेट होण जा रहे हैं, पर असीं जनता नाल वादा करदे हां कि असीं सड़कां ते उतरांगे ते रेट वापस करा के हटांगे। किरण खैर जी वोट लेके है जब से बॉम्बे बैठी है, पब्लिक का बेवकूफ़ बना के रखी है। वही किरण खैर जी हैं जो कह रही थी कि मैं कभी भी बिजली प्राइवेट नहीं होने दूंगी। रही बात पानी की, तो इन्होंने पेपर में निकाल दिया है कि 1 अप्रैल से हैं जो रेट बढ़ेंगे। अगर ये रेट बढ़ाते हैं तो हम नॉर्मल पब्लिक तो सड़कों पर आएगी आएगी, लेकिन हम आम आदमी पार्टी के चाहे वो सीनियर नेता हो चाहे वो 14 के 14 काउंसलर हो, सबके सब सड़कों पर आ जाएंगे। विरोधी धिर ने भी इल्जाम लगाया कि जीरो आवर च उन्होंने सवालों तो भजन के लिए भाजपा ने राष्ट्रगान का सहारा लिया, जो कि सरासर गलत सी। अगली बार वो सदन की शुरुआत च जीरो आवर की मांग करेंगे। ये सारिया ने देखिया इन्होंने किदा नैशनल एंथम का सहारा लैके सानू चुप कराने का तरीका लभ्या, लेकिन असी दोबारा इदा नहीं होने देवांगे। असी कहांगे जीरो आर जिहड़ा है वो हाउस तो ही पहला रखा जाए ताकि जे साडी गल सुनी जाए हाउस। ये 100% श्योर है कि हमें एक लॉलीपॉप दिया गया है। हमने ये एजेंडाज पहले रखने थे और उन्होंने कहा ये जीरो आर्स बाद में होंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जीरो आर्स पहले रखवा के एजेंडा बाद में क्लियर किया करेंगे। ये अब हमें समझ आ गया कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। इल्जाम है भी लग रहे ने कि सिर्फ निगम चोणां दे लई प्रशासन ने पानी दियां कीमतां वधाउण उत्ते रोक लगाई सी ते हुण सत्ता हासिल करन तों बाद भाजपा अप्रैल महीने तों रेट वधाउण जा रही है। हालांकि भाजपा वल्लों इस मुद्दे ते प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित दे नाल मीटिंग करन दा भरोसा दिता गया। देखो जी पानी के मुद्दे से असी भी सारी पूरी चंडीगढ़ शहर की जनता के नाल हाँ, और मेयर मैडम ने क्लैरिफाई किया कि असी पहला 3 जने गए थे क्योंकि कोविड करके गवर्नर साहब किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे थे, पर हुण 35 से 35 काउंसलर्स को लैके एक मीटिंग करेंगे क्योंकि जिन्ना बाकी पार्टीज़ है पानी के इनक्रीज रेट से उन्ना ही सानू भी है। तो आई थिंक कोई ना कोई असी इस मुद्दे को लैके जावे कोई ना कोई इस चीज़ का हल जरूर निकलेगा। चंडीगढ़ नूं राजसभा च नुमाइंदगी दिवाउण दा मुद्दा भी इस मीटिंग दे विच चुक्या गया। कौंसलरां वल्लों मंग कीती जा रही है कि चंडीगढ़ दी विधानसभा ना होण दी सुरत च नगर निगम दे मैंबरां नूं
राज सभा का मैंबर चुनने की इजाजत दी जानी चाहिए। सारे काउंसलर्स हैं, उनका एक मत है, वो चाहते हैं कि यहाँ पे राज्यसभा की जो सीट है, जो भी चंडीगढ़ की रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में नहीं है, वो होनी चाहिए। क्योंकि जैसे दिल्ली के अंदर 92 तक होता रहा है, 1966 से लेकर, कि वहाँ के जो इलेक्टेड काउंसलर हैं वो वोट करते थे और वहाँ का राज्यसभा जो चुना जाता था। लेकिन यहाँ पे कोई, जब MP के अलावा और काउंसलर के अलावा कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है, कोई विधानसभा नहीं है, तो यहाँ के जो इलेक्टेड काउंसलर्स हैं उनको ये राइट दिया जाना चाहिए कि वो भी अपने शहर की रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा के अंदर भेज सके। और इसके अंदर मैं तो कहूँगा कि जो हमारे MP किरण खेर है, उनका भी अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे कॉरपोरेशन के हाउस के एक्स ऑफिशियल मेंबर है। चंडीगढ़ नूं राज्यसभा च नुमाइंदगी दिते जाण दा मुद्दा हाउस च विचारे जाण तों बाद प्रशासक अते फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय दे कोल भेजिया जाएगा। ते जेकर अजिहा हो जांदा है ता चंडीगढ़ दे दो नुमाइंदे संसद च पहुंचेंगे। PTC न्यूज़ दे लई चंडीगढ़ तों दलजीत सिंह दी रिपोर्ट।